दोस्तों, इन द न्यूज कार्यक्रम में आज हम एशिया न्यूज इंटरनेशनल यानी ANI की मुख्य संपादक समिता प्रकाश की बात करेंगे। 1 जनवरी को ANI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू जारी किया था। 95 मिनट के इस इंटरव्यू में समिता प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राफेल डील, राम जन्मभूमि, 3 तलाक बिल, सर्जिकल स्ट्राइक समेत सभी प्रमुख विषयों पर बात की थी। इस इंटरव्यू को देश विदेश के सभी न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू को लेकर टिप्पणी करके विवादों के ऐसे सिलसिले को शुरू कर दिया है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी ने कहा कि समिता प्रकाश एक तरफ प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही थी और दूसरी तरफ जवाब भी दे रही थी। समिता प्रकाश ने ट्वीट कर राहुल गांधी को जवाब दिया। समिता प्रकाश ने कहा कि राहुल गांधी ने अगर नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाना है तो लगाए, पर उसे बीच में न घसीटे। इसके बाद पटना से सांसद और भाजपा के असंतुष्ट नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने आग में घी डालने का काम किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने समिता प्रकाश के इंटरव्यू को असंतोषजनक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुली पत्रकार वार्ता करने की मांग कर डाली। इस बीच पत्रकारों की शीर्ष संस्था एडिटर्स गिल्ड भी इस विवाद में कूद पड़ी। राहुल गांधी की समिता प्रकाश पर की गई टिप्पणी पर एतराज जताते हुए एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि पत्रकारों पर ठप्पा लगाना नेताओं का पसंदीदा हथकंडा बन गया है। ANI साउथ एशिया की प्रमुख वीडियो न्यूज एजेंसी है, जो BBC, CNN समेत दुनिया भर के 50 से ज्यादा न्यूज चैनल को अपनी सेवाएं देती है। समिता प्रकाश पिछले कुछ वर्षों से ANI की मुख्य संपादक की जिम्मेवारी संभाल रही हैं। समिता का जन्म 2 दिसंबर 1981 को हुआ था। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। ANI से पहले वह कुछ अन्य विदेशी न्यूज चैनल के लिए काम कर चुकी है। समिता प्रकाश अक्सर भारतीय न्यूज चैनल्स के पैनल डिस्कशन में भी शामिल होती है और बिना पार्टीबाजी के अपनी बेबाक और निष्पक्ष राय रखती है। दोस्तों, लेडी पत्रकार समिता प्रकाश के बारे में यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। इस पूरे विवाद के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।